उत्तर भारत रेल यात्री सेवा समिति द्वारा उत्तर प्रदेश एवं बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों के नियमित रूप से फेरे लगवाने एवं फेरों को बढ़ाने के साथ नई गाड़ियों की मांग को लेकर 16 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश रेल यात्री सेवा समिति ने 16 जुलाई को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने का फैसला लिया है। मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों की संख्या काफी कम है और जो ट्रेनें उस तरफ जाती हैं उसके चक्कर भी हफ्ते में काफी कम लगते हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर 16 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा है। समिति के लोगों ने एक मत से सुपेला जयप्रकाश नारायण चौक पर धरना प्रदर्शन करने और मांगों का ज्ञापन पत्र सभी संबंधित रेलवे के अधिकारियों और सरकार के पदाधिकारियों को देने का निर्णय लिया है। समिति के अध्यक्ष प्रभुनाथ मिश्रा ने कहा है कि आंदोलन 16 तारीख से आरंभ होगा और तब तक चलेगा जब तक हमारी सभी मांगे मान नहीं ली जाएंगी। छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाने वाले लोगों की बढ़ती तादाद को देखते हुए यह आंदोलन उचित दिखाई दे रहा है। 16 जुलाई को तय किया गया है एक दिवसीय धरना देने की जेपी चौक, और जो मांग है वो रेलवे से संबंधित है। आज से 20-22 साल पहले रेल यात्री सेवा समिति बनी थी, उत्तर भारत रेल यात्री सेवा समिति। इसमें शुरुआत थे अपने एमपी साहब मोहन गुप्ता जी, अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था, और समिति की ओर से हम लोगों ने रेल मंत्रालय से मांग किया था। उत्तर भारत के लोग इतना छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ लोग धार्मिक कार्यों से, निजी कार्यों से उनका कोई जाना आना कोई बात, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। रेल चाहिए बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए, जेठवा की मांग की हम लोगों ने, और पूर्वांचल के लोगों ने की जो उतरवा एक्सप्रेस की मांग, दो ट्रेनें चली, एक सप्ताह में दो दिन चलती। अब 20 साल में कितनी आबादी बढ़ गई, कितना आना जाना बढ़ गया, रेलवे को ध्यान नहीं दिया जिसको नियमित किया जाए। हम लोगों ने बाद में मांग किया कि दोनों ट्रेनों को नियमित करो और जितना कानपुर जाते हैं उसको लखनऊ तक लो। इसी संदर्भ में हम लोग लिखा पढ़े करते रहे, लेकिन कोरोना काल आ जाने के कारण 3 साल हम लोगों का कार्यक्रम वैसे ही था, ये बहुत कुछ कर नहीं पाए। अब कोरोना का संकट थोड़ा समाप्त हुआ है और परेशानियाँ बहुत बढ़ गई हैं। परेशानियाँ ये हो गई हैं कि आप अगर सारनाथ से आप जाते हो, छत्तीसगढ़ के लिए ऐसा पड़ गया है कि आरक्षण का कोई सवाल ही नहीं है। अब 3 AC में हो, कि AC में हो, कि जनरल में हो, सब जनरल हो जाता है, जाना आना मुश्किल हो गया। कई लोग यूपी बिहार गए हुए हैं उनको वापसी का टिकट नहीं मिला है और कई दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2 बार हमारी मीटिंग हुई समिति की, समिति का पुनर्गठन किया, अब मैं अभी समिति का अध्यक्ष हूँ। सर्वे कर महासचिव जमील अहमद जी, हम लोगों ने तय किया है कि सरकार बिना ठोकर लगाए सुनती नहीं, तो ये कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए हम लोगों ने 16 जुलाई को रेलवे फाटक के सामने बड़ा शांतिपूर्ण धरना देने का कार्यक्रम बनाया है। इस माध्यम से हम सारे संगठनों को, भिलाई जिलों के नागरिकों को जगाना चाहते हैं कि आप अपने अधिकार के लिए जागृत होंगे, सरकार को चिट्ठी लिखिए, सरकार पर दबाव बनाइए। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कुछ इस बात का हमें खुशी है कि सदर चांदी जी ने विजय बघेल जी ने रेल मंत्री से संदर्भ में चर्चा की, हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसी संदर्भ में अब आप देखेंगे रेलवे फाटक के पास आप बोल रहे हैं प्रदर्शन होगा, क्या रेल रोको भी, रेल रोकेंगे भी? केवल शांतिपूर्ण धरना ध्यानाकर्षण के लिए, अभी हम ध्यानाकर्षण करेंगे कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तीर्थ तीर्थराज प्रयाग, काशी, सारनाथ, उधर मथुरा, उधर अयोध्या, कसौसा शरीफ, आप आगे जब बढ़ोगे भगवान बुद्ध का दुनिया में सबसे बड़ा मेला प्रयाग में लगता है, हर साल लगता है, हजारों लाखों लोगों का आना जाना है। और हमारे उत्तर प्रदेश का जो ईंट का निर्माण है, भवन का निर्माण है, कृषि कार्य है, उसमें पूरे आप छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ से सटे हुए उड़ीसा के लोगों को पाएंगे मजदूर। ये 3 करोड़ की आबादी का आना जाना, मरने में, जीने में, मुंडन कराने में, विंध्याचल जाना है, सारनाथ जाना है, काशी जाना है, प्रयाग जाना है, अयोध्या जाना है, तो इतनी भीड़ बनी रहती है कि आपका बैठना मुश्किल हो जाता है, आना जाना मुश्किल हो जाता है, टिकट नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं ये जो विधवा ट्रेन है ये रेगुलर हो जाए, नियमित हो जाए, नौतनवा नियमित हो जाए। ये ट्रेन रीवा एक्सप्रेस चलती है बिलासपुर से, महाराजगढ़ खड़ी रहती है, उसको भरूच से चला दें रीवा को, तो उत्तर भारत की पूरी कनेक्टिविटी बन जाएगी। फिर उत्तर भारत में जाने वाली जितनी रेलगाड़ियाँ हैं उनमें साफ सफाई की, जनसंख्या की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर के हम लोग ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हमारा काम है जन जागरण करना, लोगों को जगाना,
हमारा काम रेलवे रोकना, रेलवे तोड़ना ही नहीं है, हमारा काम है जन जागरण करना। उसको हम बहुत तरीके से करने के लिए इच्छुक हैं और आपका ध्यान इधर आकर्षित हुआ। आप लोग यहाँ पधारे, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश रेल यात्री सेवा समिति द्वारा किया जा रहा यह आंदोलन छत्तीसगढ़ सरकार पर और रेलवे प्रशासन पर किस तरह का प्रभाव डाल पाता है और क्या इस समिति की मांगे पूरी हो पाती हैं, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।